खरीदे। रायपुर में 400 रुपए की सब्जी खरीदकर मोहन मरकाम बोले कि महंगाई से सब्जी खरीदने वाले लोग भी परेशान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शुक्रवार सुबह सब्जी खरीदने निकले, सुरक्षा कर्मी भी उनके साथ थे और कांग्रेस के अन्य नेता भी। रायपुर के शास्त्री बाजार में 2 झोले लेकर मोहन मरकाम सब्जी खरीदने पहुंचे। पहले 50 रुपए की बरबटी खरीदी, फिर टमाटर लेने के लिए आगे बढ़े। सब्जी वाले से पूछा, 60 रुपए किलो टमाटर क्यों बेच रहे हो? मरकाम को जवाब मिला, ट्रक का भाड़ा बढ़ गया है, थोक बाजार में ही हमें सब्जी महंगी मिल रही है, तो क्या करें। आलू प्याज धनिया लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रमुख मरकाम ने 400 रुपए में 2 झोले सब्जी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी महंगाई के बोझ से दब गया है, यहाँ महंगाई से सब्जी खरीदने वाले लोग भी परेशान हैं और बेचने वाले भी। हम इसी तरह महंगी सब्जियाँ खरीदकर अपना विरोध जता रहे हैं। इस महंगाई के लिए मरकाम ने केंद्र की मोदी को दोषी ठहराया। मरकाम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ गए। पहले 10 रुपए की भाजी पूरा परिवार खाता था, अब 20 रुपए में 2 जोड़ी मिल रही है। सब्जी नहीं बना सकते, प्याज के दाम 40 से 50 रुपए पहुंच गए। हर वस्तुओं के दाम बढ़ने के पीछे एक ही कारण जो बता रहे हैं सब्जी मार्केट में, कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं।